देखिए पहली बात जो हमारे शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है उसको एटोनमस क्यों बनाया था हमें सबसे पहली बात उस पर सोचते हैं क्योंकि वो एक रिसर्च ट्रेनिंग और सबसे बड़ी बात है पेशेंट केयर के लिए था इसीलिए स्कीम्स पूरे मुल्क में एम्स के बाद नंबर टू पे सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा जो पेशेंट केयर में माना जाता था और रिसर्च मैं सबसे इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये अगर आप देखेंगे कोविड में या उससे पहले जब भी कोई डिजीज़ेस का था जो हमारे सोवरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज था ये इसलिए आगे था क्योंकि इसमें सारा कुछ इसके साथ था इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशन एब्जॉर्ब कर सकता था ये अब आपने इसको एटोनी इसका जो अटोनोमस कैरेक्टर है उसे ले लिया तो हर एक जो पहले सबसे बड़ा जो इसमें ड्रॉबैक होगा आपका रिसर्च रुक जाएगा आपकी टीचिंग रुक जाएगी आपका पेशेंट केयर हर एक चीज़ के लिए अगर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होगा तो ये इंस्टीट्यूशन आगे कैसे चलेगी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ पहली बार तो मुझे ये समझ नहीं आता कि इतना अच्छा इंस्टीट्यूशन जो इतना रिप्यूटेड है उसमें हिंड्रेंस लाने की ज़रूरत क्या है या तो अगर कोई चीज़ वीक हो उसको आप स्ट्रांग बनाएं आप एक स्ट्रांग इंस्टीट्यूट को वीक बना रहे हो आप लोगों ने इंटरफेरेंस की वर्क बोर्ड में आज देखिए उसका हाल क्या है आपने में, आ में इंटरफेरेंस दी आज देखिए आरई का हाल क्या है उसी तरह आज आपने इस इंस्टीट्यूशन में रोडें अटकाए हैं इसमें इंटरफेरेंस की है तो मैं मुझे बहुत दुख हो रहा है कि इतना सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशन में आप गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस चाहते हैं और ये बहुत ही गलत बात है आपका इंस्टीट्यूशन तब ग्रो करेगा जब उसका अटोनमस करेक्टर होगा इसमें डिफरेंट कमिटीज़ हुआ करती थी जो इस पर बैठती थी और जो डिसाइड करते थे कि इसको कमेटी को चलाना कैसे था इस इंस्टीट्यूशन को चलाना कैसे है इसीलिए आज अब हर एक चीज के लिए आपको हेल्थ सेक्रेटेरिएट जाकर उनका डिसीजन लेना है तो क्या आपको लगता है ऐसा इंस्टीट्यूशन आगे चलेगा ये लगता है जम्मू कश्मीर और के लोगों को उनक, उनके उनके हकूक छीने जा रहे हैं इस चीज से आप लोग आपने जेके बैंक की बात की मैं इसीलिए कह रहा हूं वक्फ बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं आर की बात कर रहा हूं और ये जो है अब आ, हमारा शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस जिस जिस चीज से जम्मू कश्मीर के लोगों को फक्र था चाहे वो डोगरे थे कश्मीरी थे गोजर थे बकरवाल थे पहाड़ीज थे हमारी एक पहचान थी इन सब इंस्टीट्यूशन से इन इंस्टीट्यूशनों को आप कमजोर बना रहे हैं आप जम्मू कश्मीर के लोगों को कमजोर कर रहे हैं मुझे ये अभी भी समझ नहीं आ रहा आपको इसको डाउनग्रेड करने से फायदा क्या मिल रहा है और आपको क्या ज़रूरत पड़ती पड़ी थी कि शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को डाउनग्रेड करने से ये एक मेरे दिमाग से बाहर है टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर वाटसाप